हाय गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, आज हम लोग बात करते हैं क्लास 12 हिंदी मीडियम बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 22 के बारे में। कौन सा चैप्टर आपका? चैप्टर नंबर 22, दैट इज ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, मानव का पाचन तंत्र। बेटा हम लोगों की ये चौथी वीडियो है इस चैप्टर की। हम लोग क्या इस चैप्टर के बारे में इंट्रोडक्शन पढ़ चुके थे, इसके मुख और मुख भूमिका के बारे में, कि माउथ और बकल कैविटी के बारे में पढ़ चुके थे, ठीक है। आपकी ईसोफेगस और स्टमक अमाशय के बारे में हम लोग कल डिटेल में पढ़ चुके थे लास्ट वीडियो के अंदर। आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे बेटा छोटी आंत के बारे में, ठीक है। किसके बारे में? छोटी आंत। एक मिनट बेटा मैं मार्कर ले लेता हूँ, ठीक है। छोटी आंत के बारे में आप लोग पढ़ेंगे, क्लियर है। तो छोटी आंत क्षुद्र आंत है क्या? नॉर्मली मैं आप लोग बात बताएं तो जो हमारी बॉडी है, हमारा शरीर है, हमारा जो पाचन तंत्र है ना बेटा, उस पाचन तंत्र के अंदर ये जो छोटी आंत है ये सबसे महत्वपूर्ण भाग है। क्या है? सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। महत्वपूर्ण इन केस की भाई सबसे इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि बेटा इसके बिना पाचन की क्रियाविधि पूरी ही नहीं हो सकती है। जब हम लोग पाचन की क्रियाविधि पढ़ेंगे तो इस छोटी आंत का उसमें रोल पढ़ेंगे कि वो कौन कौन से एंजाइम रिलीज करता है और कौन कौन से एंजाइम क्या क्या काम आते हैं, हम लोग वो सारा का सारा पढ़ेंगे, ठीक है बेटा। तो आज हम स्टार्ट करते हैं बेटा, क्या? छोटी आंत, ठीक है। क्या पढ़ते हैं हम लोग आज? छोटी आंत, क्षुद्र आंत, ठीक है। छोटी आंत, क्षुद्र आंत, बेटा छोटी आंत है क्या? कहने को तो वैसे ये छोटी है लेकिन इसकी लंबाई जो है, इसकी लेंथ है ना बेटा, वो बड़ी आंत से ज्यादा होती है। अच्छा, सबसे पहला मेन क्वेश्चन क्या है, कई बार आता है कि शाकाहारियों में छोटी आंत की लंबाई बड़ी आंत की तुलना में अधिक होती है, क्यों? पहला क्वेश्चन, सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। कई बार पेपर सेटर क्या है, आप लोगों को घुमाने के लिए ऐसा क्वेश्चन दे देता है। तो आपका उत्तर क्या आएगा? क्योंकि शाकाहारी जीव पेड़ पौधे और वनस्पतियों की को खाते हैं और पेड़ पौधों की कोशिकाएं किससे मिलकर बनी हुई है? सेलुलोज से। सेलुलोज एक जटिल कार्बनिक पदार्थ है, जटिल कार्बन यौगिक है, जिसके पाचन में अधिक ऊर्जा और अधिक एंजाइमों की आवश्यकता होती है। अतः शाकाहारियों की जो छोटी आंत है वो मांसाहारियों की तुलना में क्या होती है बेटा? लंबाई में अधिक बड़ी होती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं बेटा छोटी आंत की। तो नॉर्मली मैं आप लोगों को बताऊं कि हमने अमाशय पढ़ा था बेटा। अमाशय जो है वो इस तरीके का जे शेप ऑर्गन होता है, ठीक है। अमाशय का ये भाग तो होता है क्या आपका? कार्डियक। ये मिड वाला भाग होता है आपका पाइलोरिक फंडस और ये लास्ट वाला भाग होता है आपका पाइलोरिक। तो छोटी आंत जो है वो इस अमाशय के पाइलोरिक भाग से स्टार्ट होती है। देखा, अमाशय का पाइलोरिक भाग। अब पाइलोरिक भाग के अंदर जो छेद होता है बेटा, जो बोर होता है, उसे आप लोग क्या बोलते हो? पाइलोरस। क्या बोलते हो आप लोग उसे? पाइलोरस, ठीक है। द्वारा छोटी आंत में खुलता है, ठीक है। अब यहां पर छेद है, यहां से ये जो यहां से स्टार्ट हो रही है छोटी आंत स्टार्ट हो रही है, क्लियर है। अब ये जीवित अवस्था में, जीवित अवस्था में मतलब जिंदा जीवों के अंदर। अब मैं बात करूं हमारी, ठीक है, जो जिंदा है। आई बात समझ रहे बेटा? मैं भी जिंदा ही हूं, कोई भूत नहीं पढ़ा रहा है तुम लोगों को, ठीक है। जीवित अवस्था में लगभग 3 मीटर लंबी, पहली चीज याद कर लीजिए। जीवित अवस्था की बात करें तो लगभग कितने मीटर लंबी है बेटा? ये 3 मीटर लंबी होती है। इसका प्रथम खंड यानी पहला भाग, पहला भाग यानी जो इस पाइलोरिक रीजन से यहां से स्टार्ट हो रहा है उसे आप लोग ड्यूडेनम बोलते हो। क्या बोलते हो? ड्यूडेनम। हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा? ग्रहणी। हिंदी में क्या बोलते हैं? ग्रहणी। जो लगभग कितना है? 25 सेंटीमीटर लंबा है। कितना है बेटा? 25 सेंटीमीटर लंबा होता है। याद रखिएगा, याद रखिएगा लेंथ इनकी, याद रखिएगा, क्योंकि लेंथ जो है बेटा वो पेपर सेटर क्वेश्चन में देता ही देता है, क्लियर है ना। अच्छा, अब इसी ग्रहणी के अंदर यहां पर बेटा आपका जो लिवर है, लिवर और पैंक्रियास, ठीक है ना, अग्नाशय और लिवर है ना, वहां से अब लिवर से बेटा पित्रस निकलता है, ठीक है। गॉल ब्लैडर, लिवर और अग्नाशय जो है वहां से बेटा कॉमन बाइल डक्ट और जो पैंक्रियाटिक वेसल है और आपकी बाइल डक्ट है यानी कि पित्तवाहिनी और अग्नाशय वाहिनी है ना, वो आकर क्या करती है? खुलती है, ठीक है। और इसे अब इसी भाग में बेटा ऑर्डी की अवरोधनी यानी स्पिंचर ऑडीज जो है वो पाई जाती है। स्पिंचर ऑडी क्या है? वो पाई जाती है। अब छोटी आंत का वो भाग आगे देखिएगा क्या कहता है। ये छोटी आंत का दूसरा और मध्य भाग,
दूसरा और मध्य भाग क्या है, लगभग एक मीटर लंबा। आई बात समझ में? अब जो मिडिल वाला पार्ट है यानी इस ड्यूडेनम के नीचे यहाँ पर ये, ठीक है, इसको आप लोग बोलते हो जेजेनम। क्या बोलते हो? जेजेनम, ठीक है। मिडिल भाग जो जेजेनम है अब जो शुद्रांत कहलाता है, यानी कि आगे वाला छोटी आंत कहलाता है, वो एक मीटर लंबा और कुंडलित, कुंडलित मतलब बेटा कॉइल, मुड़ा हुआ होता है। कुंडलित मतलब क्या है? कॉइल है या फिर मुड़ा हुआ है, क्लियर है। और अंतिम भाग जो है वो लगभग 1.75 मीटर लंबा है। इनकी लंबाई याद रखने की बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लंबा शुद्रांत या इलियम कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? इलियम। क्या कहलाता है? इलियम। क्या कहलाता है आप लोगों का? इलियम, ठीक है। क्या कहलाता है बेटा? इलियम कहलाता है। क्या कहलाता है? इलियम कहलाता है, क्लियर है। तो छोटी आंत की लंबाई अभी हमने क्या पढ़ा? छोटी आंत जो है वो जीवित अवस्था में 3 मीटर लंबी होती है। सबसे पहला भाग जो अमाशय के पाइलोरिक रीजन से स्टार्ट होता है उसे आप लोग क्या बोलते हो? ड्यूडेनम बोलते हो, ठीक है। ड्यूडेनम 25 सेंटीमीटर लंबा भाग है और इसी में आपके अग्नाशय वाहिनी और पित्त वाहिनी आकर खुलती हैं, क्लियर है। अगर क्वेश्चन आता है कि किस भाग में खुलती है तो किस में आएगा? ड्यूडेनम में आएगा, यानी कि कौन सा भाग? ग्रहणी, क्लियर है। अब उसके बाद ड्यूडेनम के बाद क्या होता है आपका? जेजेनम है, दूसरा पार्ट है जो ड्यूडेनम से स्टार्ट होता है, जो लगभग 1.75 मीटर लंबा और कुंडलित है, यानी कि कॉइल्ड स्ट्रक्चर है। और ये क्या होता है बेटा? इसमें आप लोगों का जो ऑडी स्पिंचर, ऑडी की अवरोधि है, वो इसी भाग में होती है, क्लियर है। और छोटी आंत का जो लास्ट भाग है वो 1 मीटर लंबा होता है, क्लियर है, उसे आप लोग इलियम बोलते हो। और इलियम जो है वो सबसे अंतिम भाग होता है बेटा, क्लियर है ना। अब बात करते हैं इसकी संरचना की। संरचना की अगर मैं बात करूं तो बेटा इसकी संरचना में 4 लेयर होते हैं। सबसे नीचे वाला जो ये लेयर है ये तो कहलाता है सिरोसा। क्या कहलाता है? सिरोसा। अच्छा, सिरोसा के ऊपर ये जो हार्ड लेयर है ये होता है बेटा लॉन्गिट्यूडनल लेयर। लॉन्गिट्यूडनल की अनुदैर्ध्य वृत्ति होती है। और उसके बीच वाला ये भाग जो है, यहां से और ये इतना भाग है, ये कहलाता है अधश्लेष्मा, सब म्यूकोसा। और लास्ट वाला हिस्सा जो है ये बड़ा हिस्सा पूरा का पूरा, इसे आप लोग म्यूकोसमा या श्लेष्मिक स्तर बोलते हैं। क्या बोलते हो? म्यूकोसा या श्लेष्मिक स्तर। तो अब सुनिएगा क्या कहती है इसकी संरचना थोड़ा सा आप लोग। कि छोटी आंत की भित्ति में 4 ऊतक की स्तरीय की 4 ऊतक पाए जाते हैं बेटा। कौन कौन से? सिरोसा, अभी मैंने बताया, अनुदैर्ध्य, अधश्लेष्मिका, सब म्यूकोसा और श्लेष्मिका, यानी कि म्यूकोसा। 4 लेयर्स होती है, ठीक है। अब श्लेष्मिका और अधश्लेष्मिका दोनों मिलकर, अब ये दोनों बेटा कुंडलित हो रही है, इस तरीके से मुड़ रही है, और कुंडलित होकर या वलित होकर केकरिंग के वलन कहलाते हैं। अब ये बेटा मुड़ जाती है या कॉइल हो जाती है। कॉइल होने के बाद इनके जो कॉइल स्ट्रक्चर है उसे आप लोग क्या बोलते हो? केकरिंग के, केयर केकरिंग के वलन, ठीक है ना, क्लियर है बेटा, क्लियर है ना। इसे क्या कहते हैं? केकरिंग के वलन कहते हैं। और ये 8 मिलीमीटर लंबे होते हैं। कितने लंबे हैं? 8 मिलीमीटर लंबे होते हैं, ठीक है। और इन्हीं पर 1 मिलीमीटर लंबे उंगली नुमा, देखो ये उंगली नुमा प्रवर्ध है, रेड कलर के जो दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, रेड कलर के उभार पाए जाते हैं, जिन्हें आप लोग रसांकुर या विलाई कहते हो। क्या कहते हो? रसांकुर या विलाई। अब इन्हीं के ऊपर कॉइल्ड हो गए और उसमें उंगली नुमा, उंगलियां होती है ना मतलब इस तरीके से यो उभार, ठीक है, तो उंगली नुमा उभार पाए जाते हैं, जिसे आप लोग क्या बोलते हो? रसांकुर या विलाई बोलते हो, क्लियर है। अब इन्हीं विलाई, थोड़ा सा बेटा इंग्लिश पढ़ोगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि हिंदी टॉपिक जो है वो थोड़ा टिपिकल पड़ता है। इन्हीं विलाई में बेटा लैक्टिफिशियल सेल होती है बेटा, ठीक है, स्तनीय कोशिकाएं होती है, आपकी ब्लड सेल्स होती है, लसिका सेल्स होती है। आई बात समझे? अब ये जो विलाई है इसकी एपिडर्मिस, इसकी बाहर वाली जो लेयर है, वाली मैं बना रहा हूं इसके ऊपर छोटे छोटे, ये विलाई की बाहर वाली लेयर के ऊपर भी इस तरीके से छोटे छोटे जो है ना वो क्या कहलाते हैं? उनकी एपिडर्मिस पर 1 माइक्रोमीटर लंबे, 1 माइक्रोमीटर मतलब 1 मीटर का 1 लाखवां भाग, 1 मीटर का कौन सा भाग? 1 लाखवां भाग। 1 माइक्रोमीटर लंबे लगभग 1000 सूक्ष्म अंकुर, याद रखिएगा माइक्रो विलाई जो होते हैं विलाई के अंदर ही है, विलाई के ऊपर ही होते हैं बेटा, ठीक है ना। सूक्ष्म अंकुर माइक्रो विलाई होते हैं जो ब्रश बॉर्डर का निर्माण करते हैं। ब्रश बॉर्डर मतलब कि अगर उंगलियों के ऊपर छोटे छोटे बाल हो जाए तो ब्रश की जैसी संरचना दिखाई देती है, ठीक है, तो इसे आप लोग बोलते हैं ब्रश वाटर। ब्रश वाटर का निर्माण करते हैं जो पाचन और अवशोषण की सतह। अच्छा, अब जो भोजन के पार्टिकल्स हैं वो इनके बीच में आगे फंस जाएंगे, तो पाचन और अवशोषण की सतह को क्या करते हैं? ये बढ़ाते हैं।
पाचन और अवशोषण की सतह को क्या करते हैं, ये बढ़ाते हैं। क्लियर है, क्लियर है, उसके क्षेत्रफल को बढ़ाते हैं। अब बात करते हैं सृष्टि का स्तर, भाई इसी स्तर की बात कर रही है, ठीक है। इसमें सिंगल या ग्रुप्ड, या तो अकेली होगी या फिर समूहों के रूप में होगी। लसिका ग्रंथियां पेयर पैचेस के रूप में, पेयर के समूह को काफी लोग पेयर पैचेस बोलते हैं, कोई गलत नहीं है, ठीक है। पेयर पैचेस होती है, ठीक है। अब ये पेयर पैचेस कहलाती है जो वलित होकर, वलित होकर वापस कुंडलित होकर आंत ग्रंथियां, लिबरकुम गर्तिका, ठीक है, कई बार नंबर नाम आते हैं, बनाती है। इनमें गॉबलेट सेल्स, इसमें कौन कौन सी कोशिका आती है, गॉबलेट। गॉबलेट कैसी होती है बेटा, जो कलश के फॉर्म में होगी इस तरीके से, ठीक है। गॉबलेट सेल्स कलश कोशिका, पैनेट सेल, पैनेट कोशिका, आंत कोशिका आदि होती है। कौन कौन सी कोशिका है लिबरकुम ग्रंथि के अंदर बेटा, गॉबलेट सेल्स है, पैनेट सेल्स है और आंत कोशिका है, ठीक है। अब गॉबलेट जो सेल्स है वो किसका निर्माण करती है, श्लेष्मा को स्त्रावित करती है। वो किसका स्त्रावित करती है, श्लेष्मा को। तथा इंटेस्टाइनल सेल्स जो आंत कोशिका है वो बड़ी मात्रा में जल, बड़ी मात्रा में जल और जल अपघट्यों, यानी पानी का और हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, जल अपघट्य मतलब हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स या हाइड्रोलाइटिक कंपाउंड, यानी कि जो जल की उपस्थिति में, याद रखिएगा, जो किसकी उपस्थिति में, जल की उपस्थिति में किसी भी वस्तु का अपघटन कर रहे हैं। क्लियर है ना बेटा, ओके। तो जल अपघट्यों को स्त्रावित करती है। इन इनमें पाचक एंजाइम्स होते हैं बेटा, जल अपघट्यों वगैरह में पाचक एंजाइम, मतलब जो डाइजेस्टिव एंजाइम है वो बेटा गॉबलेट सेल से ही निकलते हैं। क्लियर है। पेनेट की कोशिकाएं लाइसोजाइम्स को स्त्रावित करती है। लाइसोजाइम का काम क्या है बेटा, ये बैक्टीरिया को किल करते हैं। आपकी बॉडी में अगर जीवाणु चले गए खाने के साथ में, भोजन के साथ में बेटा जीवाणु अगर चले गए, तो उन जीवाणुओं को किल करने का काम कौन करता है, आपका लाइसोजाइम, ठीक है। और ड्यूडेनम में, यानी कि ग्रहणी में श्लेष्मा स्थापित करने हेतु अतिरिक्त म्यूकस ग्लैंड, यानी कि श्लेष्मा ग्रंथियां होती हैं, हिंदी में इसको श्लेष्मा ग्रंथियां बोलते हैं बेटा, ठीक है। जो जिसे आप लोग ब्रूनर ग्लैंड या ब्रूनर ग्रंथि भी बोलते हो, ब्रूनर ग्रंथि, ठीक है, कहलाती है। क्लियर है, क्लियर है। तो आज हम लोगों ने क्या देखा, छोटी आंत के बारे में पढ़ा। क्लियर है बेटा, ओके, थैंक यू।